जी अब हम दोबारा से चेयरलिफ्ट में बैठने लगे वापसी के लिए। ये आप देख सकते हैं किस ऑर्डर में गाने चलो सबसे आगे आप जाएंगे मैं सबसे पीछे ना क्योंकि मेरा सबसे ऊपर से मैं अच्छा तो सबसे आगे मैं बैठ जाता हूँ। हल्का वाला निकाल लेते जी मैं बैठने लगूँ ये बैठ गए ये जो मैं चेयर लिफ्ट में दोबारा बैठ गया हूँ ये आप खूबसूरती के मनाज़र देख सकते हैं सुभान अल्लाह। अभी हमने वो नीचे जाना है जी भाई ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को एंजॉय करवा सकूं ताकि मेरे साथ आपको भी मज़ा आए नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर का मेरे साथ आप भी इस सैर में शामिल हों। वो सामने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है कभी कभी ये थोड़ा सा मुझे कभी इतनी बुलंदी पे इस तरह कभी आया नहीं ना। ये खाली चेयर को भी देख सकते हैं ये भी खाली चेयर आ रही हैं इनको भी सलाम कर देते हैं अस्सलामुअलैकुम नहीं जवाब दिया कोई बात नहीं। यार क्या मंजर है यार लिटरली कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। मुझे उम्मीद है कि कैमरे में आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी या बादल देख सकते हैं
तला धूप आ गई शायद, रेनबो नजर आए हमें, है ना। क्योंकि पहले बारिश हुई थी ना, तो बारिश के बाद अब रेनबो आए शायद। अब अल्लाह रेनबो नजर आ जाए। साथ साथ पिक्चर्स भी खींचता जाता हूँ, ये मैंने पहली कैप्चर कर ली है। और मेरा दोस्त आ गया, हेलो हेलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। ये कुछ लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर आ रहे हैं। कि यार पैसे पूरे हो गए हैं। तला मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं। सही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अब इस हसीन वादी पे मुझे बुलाया, मेरे दोस्तों को भी बुलाया। थोड़ा सा डिस्टेंस और रह गया, ऐसा जब हम आ रहे थे उस टाइम पे चढ़ाई थी, अब चूंकि उतराई है तो इतना वो ज्यादा फील नहीं हो रहा। मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर इस जगह को विजिट करने के लिए आए। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ख़ास तौर पे जून जुलाई के महीने में तो लाजमी है। ये ग्रीनरी, इस तरह की ग्रीनरी आपको जून जुलाई के महीने में आपको मिलेगी। ये आप फैमिलीज देख सकते हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। व्हाट अ लवली वेदर। सुभानअल्लाह। ऐसे जैसे हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐतला ऐसे जैसे हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं।
हमारे लिए तो हवाई जहाज ही है भाई। अच्छा तला, जब हम आ रहे थे ना तो तब ज्यादा फील हो रहा था कि हम हाइट पे जा रहे हैं। अब चूंकि उतराई है ना तो हमें इतना वो फील नहीं हो रहा। अच्छा मेरे मोबाइल की बैटरी भी 20% से कम रह गई है। और अभी वो दरिया वाला पॉइंट भी एंजॉय करना है। लुक एट द हाइट, लुक एट द स्काई। तला, बर्फपोश पहाड़ नजर आ रहे हैं? बर्फपोश पहाड़ वो देखो। बर्फ से ढके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। अच्छा भाई, हमारा जो मिनी जहाज है यानी कि चेयर लिफ्ट सॉरी, वो लैंड कर रही है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब। जी लेकिन हमने बारिश भी एंजॉय की है। किस चीज की? जी जी हाँ जी जी हाँ जी पता है उसका। हाँ जी ऐसे ही है। जी लास्ट पोल रह गया। इसके बाद हमारी चेयर लिफ्ट बिल्कुल
लैंड कर जाएगी। हम अपने आखिरी मराहल में अच्छा यहाँ पे मालम जब्बा टॉप पे आने के दो तरीके हैं। एक आप जब आप इस एरिया में आते हैं जिस तरह मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जहाँ पे रोड है यहाँ से आप ट्रैकिंग करते हुए भी आप टॉप पे आ सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पे शूज़ बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। और बेहतर ये है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि बारिश वाले मौसम में आप चेयर लिफ्ट के थ्रू आप आएँ। ये हमारी चेयर लिफ्ट लैंड कर रही है और मैं यहाँ से उतरने लगा हूँ। मेरे पीछे मेरे दोस्त हैं, ये मैंने ये मैं उतर गया हूँ और मैं अपने बशंदों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आ जाओ, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं तो काफी वे हूँ उससे। ये मेरे फाइनल बशंदे आ गए हैं।